दोस्तों, मेरा नाम है तन्वीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैक विद तन्वीर में। दोस्तों, ट्रेंडिंग पे चल रहा है सिम स्वैपिंग। दोस्तों, सिम स्वैपिंग का मतलब है, आप ये समझिए कि जैसे आपका सिम खराब हो जाए, नेटवर्क नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाते हैं कि अपने जो भी दुकानदार लोकल में होता है, आप जाते हैं और अपने सिम को चेंज कराते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही फ्रॉड का काम चल रहा है और आपको बिना बताए आपके सिम का जो क्लोन बना लिया जा रहा है। जो हैकर होते हैं वो आपके सिम को क्लोन बना ले रहे हैं, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं और आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके बाद बस रही बात आपके सिम की, अब वो लोग क्या काम करते हैं, जैसे कॉल सेंटर से फोन आता है, आपके एयरटेल है, जिससे भी ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर को आप यूज करते हैं, सेम टू सेम वही कंडीशन में वो लोग क्या काम करते हैं, कस्टमर केयर बन के आपको कॉल करते हैं और आपको बताते हैं, सर आपकी समस्या सिम में आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और आप उसमें हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। अब बस करना क्या होता है, आपके सिम के पीछे 20 अंक का एक कोड होता है और आपसे वो पूछते हैं, सर उसको बताएं और उसको बदलने के लिए एक प्रेस करें। और जैसे ही आप एक दबाते हैं, समझ लीजिए कि आपने उसको यस कर दिया कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, और बस उसका काम हो गया। उसके बाद क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही लिया रहता है, और आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास, अब जो भी, क्योंकि आपका सिम अब उसके पास हो गया और आपके सिम में से नेटवर्क चला जाएगा। अब क्या होगा कि जो भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर एक्टिवेट होगा, सारे मैसेजेस अब उस सिम पर आएंगे जो उस हैकर के पास, जो भी आपका बैंक अकाउंट वगैरह जो कुछ भी लिंक है, जो कुछ भी पैसा लेन देन करेगा, सब उसी के उस पर मैसेज आएगा। तो दोस्तों अगर आप सिम स्वैपिंग के शिकार हो चुके हैं तब क्या करें, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जिस भी बैंक में आपका ये नंबर रजिस्टर्ड है उस बैंक में जाएं और उस बैंक में अपने इस नंबर को ब्लॉक करवाएं, अपने एटीएम को ब्लॉक करवाएं, साइबर क्राइम कंप्लेन करें। और कंप्लेन करने के बाद एक खास बात, और पहली बात तो किसी भी अननोन, जो भी आपको मेल आता है या फेसबुक या व्हाट्सएप पे लोग फ्रॉड के जरिए आपको लिंक एक भेजते हैं, उस लिंक पर क्लिक करने से बचें पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इसके शिकार हो जाते हैं तो अपने बैंक वगैरह जहां से भी आप लिंक किए हुए, रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उसको ब्लॉक करें, अपने एटीएम को बंद करें। थर्ड पॉइंट ये है कि कभी भी आप अपने बैंक को जो भी रजिस्टर्ड किए हुए हैं मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ आप अपने ईमेल आईडी को भी रजिस्टर करें, ताकि अगर वो आपका फोन एक्सेस कर लेता है या हैक कर लेता है, इस दशा में कम से कम आपके ईमेल पर मैसेज तो आता रहेगा कि कितने पैसे निकाल लिए, कितना आ रहा है,